अब कुछ ही दिनों में हिंदी पढ़ना सीखें, तो हम हिंदी पढ़ना स्टार्ट करते हैं। टोकरियां बेचने वाले बच्चे इन शरारतियों के पुत्र और पुत्रियां थे। वे या उनके माता पिता या संबंधियों ने नगरों में एकत्रित होकर दुकानें लगाकर तथा साधारण सी वस्तुएं बनाकर उन बाजारों में जीविका कमाने का प्रयत्न किया, जहाँ पर पहले से ही भीड़ थी। वे कपड़ों तथा घास के बने हुए सैंडो में रहते थे, जिनकी पक्तियां गलियां में लगी हुई थी। इन शरारतियों में जो व्यक्ति खेती का काम करते थे, वे जीवन भर बहुत थोड़े से काम चलाने के अभ्यस्त थे, क्योंकि खेती करने वाले एक परिवार
की वार्षिक आमदनी लगभग 100 डॉलर से अधिक नहीं होती है। अकुशल मजदूर की प्रतिदिन की मजदूरी लगभग 30 सेंट होती है। यह एक सप्ताह में 2 डॉलर से कुछ कम दिन में 1 बार भोजन मिलता है। एक प्याज की गांठ 1 रोटी दाल का 1 प्याला दूध के साथ संभवतः बकरी के दूध का थोड़ा सा पनीर ना चाय ना कॉफी ना चिकनाई ना मिठाई ना गोश्त एक वर्ष में 100 डॉलर से 1 सप्ताह में 2 डॉलर भी नहीं पढ़ते हैं। फिर भी इतनी छोटी रकम टोकरियां बेचकर उन व्यक्तियों से
नहीं, कमाई जा सकती जो इतने निर्धन है कि वे उन्हें नहीं खरीद सकते। पूर्णग्राम निश्चित रूप से यह कारण है कि ये छोटे बच्चे मेरे ऊपर टिड्डियों की तरह झपटे। इसमें कोई संदेह की बात नहीं कि मैं अमेरिका का एक निवासी उनके लिए सबसे अच्छा ग्राहक था जो उन्हें कभी मिला था।